हेलो फ्रेंड्स, ग्रीट एंड ईट चैनल में मैं आरती आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे सीकेपी स्टाइल प्रॉन फ्राई या लिट्टी कोलंबी। इसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम प्रॉन्स, और इन प्रॉन्स को हमने साफ कर लिया है और इनके बीच का ब्लैक थ्रेड निकाल दिया है। दो प्याज को फाइनली चॉप कर लिया है। अभी आम का सीजन है, इसलिए खटाई के लिए कच्चा आम यूज किया है और उसके 10 से 12 छोटे पीसेस लिए हैं। 4 से 5 लहसुन की कलियों को हल्का सा क्रश कर लिया है। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को हमने इक्वल क्वांटिटीज में लिया है, उसका पेस्ट करके वो 1 टीस्पून यूज किया है। 1/4 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो, आप जितना तीखा खाते हो उस हिसाब से आप ऐड करें, और नमक स्वाद अनुसार। एक पैन को गरम कर लेते हैं। जैसे ही पैन गरम हो जाए उसमें डालेंगे तेल। तेल के गरम होते ही उसमें डालेंगे क्रश्ड गार्लिक। क्रश्ड गार्लिक को हमें थोड़ा सा हल्का ब्राउन होने देना है। जैसे ही वे थोड़ा सा हल्का ब्राउन हो जाए उसमें हम डालेंगे चॉप किए हुए प्याज। प्याज को हमें फ्राई करना है हल्का ब्राउन होने तक। जैसे ही प्याज हल्के ब्राउन हो जाए हम उसमें डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, और उसे फिर से एक आधे मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। अब इनमें ड्राई मसाले डाल देते हैं, हल्दी और रेड चिली पाउडर, और इन्हें फिर से फ्राई कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। आप चाहो तो हल्दी, रेड चिली पाउडर और जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट प्रॉन्स को लगाकर मैरिनेट कर सकते हैं, और मैरिनेटेड प्रॉन्स फ्राइड अनियंस पे ऐड कर ले। अब यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे प्रॉन्स, चॉप कैरी और नमक। कैरी और प्रॉन्स को हम एक साथ ही ऐड करेंगे क्योंकि दोनों का कुकिंग टाइम ऑलमोस्ट सेम है। इसे अभी मिक्स करेंगे और लिड से कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए कुक करेंगे। फ्लेम यहाँ लो टू मीडियम रखेंगे ताकि प्रॉन्स अपने ही जूसेस में अच्छे से पक जाए। पांच मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे प्रॉन्स और कैरी दोनों अच्छे से पक चुके हैं। लीजिए, यहाँ पे तैयार है हमारे ड्राई प्रॉन्स या सीकेपी स्टाइल लिप्टी कोलंबी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू।